खोले लेके लगी खोला पानी देना है कुओं लगा घर से आवला तो खाने बिहार गांव में लग्जरियस पंचायत भवन चलिए एसी ओसी लगा कर टकाटक फिट है भाई देखिए भाई व्हील चेयर है भाई बैठ जाइए यहाँ पे ठीक है आप बैठ के यहाँ पे लेडी काटते रहिए और जानवर लोग बैठता है कि नहीं बैठता सही कहिए सही कहिएगा बैठता है ना आप लोग तो अभी भी गुलाम है सही कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग कहीं नहीं बोल रहे मुंह में अक्षर नहीं है आप लोग देख सकते हैं कि सुनहरे अक्षरों में ग्रेनाइट पत्थर पर जिस प्रकार से श्रीमान महोदय जी का नाम लिखा हुआ है श्री उमाकांत सिंह जी और डॉक्टर संजय जायसवाल जी मुख्य अतिथि उद्घाटन करता में उमाकांत सिंह जी है और राशि है 928,000 रुपए बाकी हम रोड के विषय में चर्चा नहीं करेंगे सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या उमाकांत सिंह जी उद्घाटन के लिए यहाँ पे आए थे नहीं नहीं हाथ उठा के बोलिए ना महाराज हाथ उठा के बोलिए ना डर रहे हैं क्या आप लोग उद्घाटन कर रहे उसके बाद मुख्य अतिथि संजय जायसवाल जी आए थे नहीं आए थे तो कहे नाम लिखा हुआ है भाई मुख्य अतिथि में डॉक्टर संजय जायसवाल उद्घाटन करता श्री उमाकांत सिंह जी जो स्थानीय विधायक है और डॉक्टर संजय जायसवाल जी जो स्थानीय सांसद है और लगातार 3 बार से सांसद है महोदय तो महोदय को इतना भी जानकारी नहीं होगा कि इस गांव से निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे आप लोग का बात नहीं मानेगा गार्जियन लोग से पूछते हैं आइए चलिए इधर आइए ये गाँव से निकले का रास्ता बाटे रास्ता सही बोले लगे मुंह से बोले लगे कोस के बोले लगे खोले लगे लगी खोला पानी जाना है वो लोग का घर से आवला तो खाने जा वो लोग का घर से आवला तब न खाने लगी रुवा लगा वो लोग का घर से आवला तो तब का अब का कर जाओ सारे लोग का मारल जाओ पिटल जाओ एक खाली तो पीटा पीटी हो गई हमी के मां हिंसा के पुजारी ना हिंसा हमी के मारे पीटे के तो हमी के नहीं कह सकत बाकी रुवा लगन के 3 में से सांसद रोगल बन बनाओ तो लगी आए और उनकरा के मुख उनकरा के विधायक रोगल बनने वाले लगी हम तो नहीं बने ले तो बाकी आप लोग देख सकते हैं कि यह गांव आज से 76 वर्ष पहले पूरा देश आजाद हुआ और 76 वर्ष में भी इस गांव से एक भी रोड ऐसा नहीं बन पाया जिससे मुख्य धारा से जोड़ा जा सके इन लोगों को क्यों क्योंकि यह पूरा सिकराहना नदी जो है सिकराहना नदी जो हम लोग बूढ़ी गंडक बोलते हैं पेपर में देखिएगा कागजों में देखिएगा तो बूढ़ी गंडक से के नाम से इसको जाना जाता है तो बूढ़ी गंडक से चारों तरफ से घिरा हुआ है हर तरफ से कहीं से भी जाइए किसी भी दिशा से आइएगा इस गांव में पहुंचने के लिए तो कहीं रोड नहीं है हर तरफ नदी मिलेगा सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं सही है हाथ उठा के बोलिए ना भाई सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं अच्छा आप लोग का गांव में बोलोरो बोलोरो है कि ना चार चक्का गाड़ी ट्रैक्टर हो ट्रैक्टर के आने के लिए रास्ता का जरूरत नहीं है तो कैसे भी निकल जाएगा क्या खेती बाड़ी करने के लिए बोलोरो का नहीं खरीदे हैं रास्ता नहीं है तो बोलोरो खरीद सकते हैं आप लोग मैंने चार चक्का गाड़ी फोर व्हीलर जो लग्जरियस होता है वो खरीद सकते हैं रोड हो जाएगा तो काहे नहीं खरीदे हैं आप लोग रोड नहीं है और सबसे बड़े ताज्जुब की बात मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूँ थोड़ा आएंगे कैमरामैन जी और आइए हम आपको दिखाते हैं इतना बिहड़ गांव में लग्जरियस पंचायत भवन चलिए एसी ओसी लगा कर टकाटक फिट है मानना पड़ेगा नीतीश कुमार जी के विकास का अब देखिए सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं बना कब है तो आइए यहाँ पे ये यह दिखा देते हैं 2017-18 के रीजन में ये बना हुआ यानी 5 साल से ज्यादा नहीं हुआ इस पंचायत भवन को बने हुए आगे चलिए इस लग्जरियस पंचायत भवन को दिखा देते हैं इतना बढ़िया व्हील चेयर लगा हुआ है इटली से मार्बल मंगा करके यहाँ लगाया गया है आप लोग देख के हैरान हो जाइएगा और यहाँ का जो व्हील चेयर लगा हुआ है शायद ही वैसे ही व्हील चेयर पे कोई बैठा होगा आइए हम आप लोग को बैठा के दिखाते हैं चलिए आइए आइए देखिए भाई व्हील चेयर है भाई बैठ जाइए यहाँ पे ठीक है आप बैठ के यहाँ पे लेडी काटते रहिए आम के आम और गुठलियों के दाम अब ऐसे लग्जरियस पंचायत भवन में आदमी का जरूरत नहीं है जानवर का जरूरत है
क्योंकि ये आदमी के रहने लायक नहीं है, क्योंकि हम लोग उतना लग्जरियस आदमी नहीं है। सही कह रहे हैं कि नहीं? इतना लग्जरियस हम लोग आदमी नहीं है, हम लोग को बैठने के लायक है ही नहीं। हम लोग तो हैं भाई धूल मिट्टी में के पले बड़े हैं। जी जी जी। क्या जानवर लोग बैठेगा जी, और जानवर लोग बैठता है कि नहीं बैठता है? सही कहिएगा, सही कहिएगा, बैठता है ना जी, जी। आप लोग को देख के अंदाजा भी लग गया होगा, इतना लग्जरियस पंचायत भवन बिहार में शायद ही कहीं होगा। 9 लाख के प्रोजेक्ट सर है, 9 लाख रुपए इसमें लगा है, मुश्किल से मुश्किल लगा है तो 2 लाख रुपए में कंप्लीट हो गया है। इसमें गिट्टी फोड़ेंगे आप तो दिखाई नहीं देगा, गिट्टी से खाली मिट्टी है, बालू है, बालू है, मिट्टी नदी के बालू में। हाँ नदी का बालू। अरे छोड़िए ना महाराज, ये रोडवा छोड़िए, सबसे पहले आपके गांव का निकास कोई है? तो 76 साल पूरा हो चुका है आजादी को, और आपके गांव में आज तक कोई ऐसा रास्ता नहीं बना आजाद कि आप लोग सच में आजाद हो जाएं। सही, सही। आप लोग तो अभी भी गुलाम है। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? आप लोग कहीं नहीं बोल रहे, मुंह में छेद नहीं है। सही है सर, बस का बोलिए। चाचा का को है, हमरे वो गांव में पूरा विकास के मारे चकाचक भइल बाटे, पूरा रोड लाइट एकदम जरता, एकदम जरता टे। सही कहते नहीं कि ना? ठीक है, साफ एकदम लागत है कि भाई लोहर भरता, अजोरे अजोरे भर जाता, अजोरे अजोरे भर जाता। अरे आप लोग बेकार का जाइएगा इंग्लैंड, लंदन ब्रिज देखने, आप लोग यहीं इस गांव में आ जाए, लंदन ब्रिज का नजारा यहाँ लीजिए, और महारानी एलिजाबेथ का जो महल है यहीं पे बना हुआ है। महारानी एलिजाबेथ का जैसा महल नहीं होगा वैसा ये लग्जरियस पंचायत भवन है। देख लीजिए कितना बढ़िया काम, कितना बढ़िया विकास हुआ है माननीय आप लोगों के द्वारा, और आप लोग जरा सा भी लज्जा नहीं आता है, जरा सा भी शर्म नहीं आता है, और किस मुंह से आज जाते हैं आप लोग वोट मांगने के लिए? जी जी सही, सही कह रहे हैं कि नहीं? सही कह रहे हैं कि नहीं? कौन सा मुंह लेके आते हैं आप लोग वोट मांगने के लिए? तरह तरह के वादे करते हैं, और जीतने के बाद वादा खिलाफी स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का। क्या कहा जाए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए, डूब मरिए, और आप लोग के अंदर थोड़ा सा भी शर्म लाज है बचा हो तो इसके बाद से इलेक्शन मत लड़िएगा। सही कह रहे हैं कि नहीं? हाँ बोलिए चाचा। मुख धारा में जोर लगा रोड बोले गांव के विकास कहियो ना हो। चाचा तो ये हमार काम थोड़े बा, 15-15 साल से जो बैठल बा, जो चिल्ला तटे कि हम बड़ा कुछ कइले बानी, बड़ा कुछ कइले बानी, तो ओकरा नु करे के चाही। सही कह जाने की ना? अरे वो वोट काहे देवे नी, वोट देवे कानूनन अधिकार वैसे वोट देवे नी, अपन नेता चुने नी कि राउर विकास करी, राउर काम के देखी, रउरा बारे में बोली, लेकिन उलो कहाँ करेला, ना करेला, रउआ लगन मजबूर बनी लो। सही कहते नहीं कि ना? तो आप लोग देख सकते हैं इस गांव की हालात को देख सकते हैं, और थोड़ा सा भी आप लोग को संदेह हो तो इस गांव में आइए, और इसे गांव का हम परिचय चाचा से पूछ लेते हैं। कौन सा काम है चाचा ये? नुनिया टोला। नुनिया टोला। अब प्रखंड कौन सा है? चनपटिया। चनपटिया प्रखंड। चनपटिया का दूरी यहाँ से कितना है? 1.5 किलोमीटर। अरे वाह, ताज्जुब की बात है कि यहाँ से चनपटिया की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है, और यहाँ इस गांव में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हैरान हूं मैं आकर के, यहाँ कौन से मुंह लेकर के आप लोग यहाँ आते हैं और वोट मांगते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, और वादा खिलाफी भी आप ही लोग करते हैं। तो आप लोग जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे दर्शक हैं, जिन लोगों के पास भी मेरा वीडियो पहुंच रहा है, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे नेताओं के साथ क्या होना चाहिए। बाकी जय हिंद।